सबसे पहले शर्बत हमारे शर्बत का काम था, उसके बाद सेवाना पाकोला कोको कोला ना, जिसकी वजह से लोगों ने शरबत पीना बंद कर दिया, बोतलें पीना शुरू कर दिया। जब पिशावरी शरबत ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम शुरू कर दिया, तो लोगों ने इसको पिशावरी आइसक्रीम के नाम से मशहूर कर दिया। तो पिशावरी, हमने पिशावरी आइसक्रीम का बोर्ड लगा दिया, तभी इसी पिशावरी आइसक्रीम के सिलसिले में ये चल रहा है। अभी ये तकरीबन 35 साल हो गया उस दुकान का, छोटी दुकान का 1945 से है, अभी तक वही फार्मूला चल रहा है 1945 से अभी तक। ये इसमें खाली फ्रेश दूध इस्तेमाल होता है और फ्रेश क्रीम इस्तेमाल है, इसमें किसी किस्म का पाउडर, किसी किस्म मिलावट वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ चीज़ है। मतलब इसमें जायका है ना, इसलिए तो पसंद करते हैं। इसमें वही 1951 का जायका चल रहा है। कराची में दूसरा कोई ब्रांच नहीं, बस यही है कि सदर में परेड स्ट्रीट पे जो ब्रांच है और ये है, और कोई नहीं है हमारा। 90 साल से तकरीबन 1956 से हम इस कारोबार को संभाल रहे हैं। उसके बाद अभी हमारे बच्चे आ रहे हैं, अब इस कारोबार को चला रहे हैं वो लोग, बस हम लोग आराम कर रहे हैं। अभी 130 रुपये से लेकर 250 रुपये तक इसका प्राइस है।